राम राम जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंटेंट क्रिएटर्स। दोस्तों कमेंट सेक्शन में राम राम जी जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है कि इंडिया में जो कोरोना वायरस फैला वो आप लोगों को सभी को पता होगा कि कहाँ से फैला है, कहाँ से आया, एंड दोस्तों हमारे इंडिया में इसको आने से क्या क्या प्रॉब्लम हुई। दोस्तों बहुत सारे लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया, बहुत सारे लोगों की जॉब बंद हो गई, बहुत सारे लोग जो छोटे मोटे काम करते थे उनके सारे काम बंद हो गए। सो एक तरीके से इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ी है, इंडिया के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये इतनी बड़ी फाइट हो गई है अब चाइना से इंडिया की, बट दोस्तों अभी भी चाइना ने मतलब हार नहीं मानी है। चाइना अभी भी कुछ और भी सोच रहा है, बहुत बड़ा सोच रहा है जो आने वाले टाइम में हम लोगों के सामने आएगा, है ना। तो जो इंडिया के हमारे इंटेलिजेंस है उनकी एक रिपोर्ट आई है जो दोस्तों हम अभी कोरोना के साथ नहीं कर पाए, उससे लड़ नहीं पाए, ठीक है, या फिर जो भी प्रॉब्लम रहा। बट दोस्तों एक चीज और है जिसके साथ आप लड़ सकते हो, इंडिया का सपोर्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों अगर आप एक इंडियन नागरिक हो, एक सच्चे नागरिक हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड दोस्तों हमारे ऊपर अभी कौन सी प्रॉब्लम मंडरा रही है, मतलब कौन सी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ अब आने वाली है। सो दोस्तों वो क्या है कि आप लोग दोस्तों अपने फोन लेते हो तो बहुत सारी ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हो, एंड दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको ये नहीं पता कि वो ऐप जो है वो कहाँ से बनी है, एंड उसका जो ओनर है वो कौन है। एंड जब भी आप कोई ऐप को इंस्टॉल करते हो तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, यही होती है कि हमें पता नहीं होता कि वो ऐप कहाँ की है, ठीक है। एंड दोस्तों बस किसी ने बोला या फिर उसकी हमने रेटिंग देखी एंड ऐप को इंस्टॉल कर लिया। सो दोस्तों आपने कभी भी देखा होगा कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, लाइक टिकटॉक जो कि चाइना से है, ठीक है, आप टिकटॉक इंस्टॉल करते हो अपने फोन में तो उसको हर परमिशन देनी होती है। आपको अपनी वॉइस की परमिशन देनी होती है, कैमरे की परमिशन देनी होती है, स्टोरेज की परमिशन देनी होती है, एंड बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जो आपके मैसेज की, कॉल की, सारी चीज़ों की परमिशन लेता है, ठीक है। सो यही सबसे गलत काम होता है कि आप पूरा ऐप के पता करे बगैर उसको सारी परमिशन दे देते। दोस्तों लाइक आपने टिकटॉक को अपने फोन की सारी परमिशन दे दी है, ठीक है। अब जो टिकटॉक है, ठीक है, टिकटॉक ओनर जो है वो चाइना में बैठ के कभी भी आपके फोन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, सारा डाटा निकाल सकता है, सारी लोकेशन निकाल सकता है कि आप कहाँ पर हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी चीज़ों को वो वहाँ से डिटेक्ट कर सकता है। सो दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो तो घर आने के बाद अपने हैंड को, हाथों को सैनिटाइज करते हो, किसी को हाथ मिलाते नहीं हो, ठीक है, कोरोना से बहुत बचकर रहते हो। सो ऐसे ही आप अपने फोन को भी बिल्कुल सैनिटाइज करना है। सो 52 ऐप्स की एक लिस्ट निकल के आई है गवर्नमेंट की साइड से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको सारी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है, अपने फोन को पूरा सैनिटाइज कर देना है, जिससे कि आपका फोन बच जाएगा एंड आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, आपका पर्सनल डाटा है, मैसेजेज है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं जो आप फोन में रखते हैं हमेशा हम लोग, तो वो सारी चीज़ें बच जाएंगी, ठीक है। सो अपने फोन को बिल्कुल सेफ कर लो, मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, उन सारी ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, अपने फोन को पूरा सैनिटाइज कर दो, उसको अनइंस्टॉल कर दो, जिससे कि आपका फोन बच जाएगा, आपका डाटा बच जाएगा, आपका जो पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, सारी बच जाएंगी, सेफ हो जाएंगी। एंड दोस्तों आपकी बैंक डिटेल्स जो कि हम अपने फोन में रख ही लेते हैं तो वो सब चीज़ें भी बच जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को जरूर कर दो एंड आप इसी तरीके से अपने भारत के साथ खड़े हो सकते हो, चाइना के साथ लड़ सकते हो। सो दोस्तों कोरोना में तो हम कुछ नहीं कर पाए बट इस तरीके से तो हम अपने भारत को बचा सकते हैं ना, अपनी डिटेल्स तो बचा सकते हैं। सो दोस्तों मैं चलता हूँ अपने फोन स्क्रीन की ओर एंड आपको लिस्ट बताता हूँ। आप ये सारी ऐप्स को अनइंस्टॉल अभी के अभी कर दो, फोन को पूरा सैनिटाइज कर दो। सो दोस्तों फिर उनकी स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ वेबसाइट हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन पर वेबसाइट, एंड दोस्तों यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अब लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। पहले आप आता है टिकटॉक, जूम, फिर वॉलेट एंड वीगो, वीगो लाइव, बेबो, वी चैट, शेयर इट, यूसी न्यूज़, यूसी ब्राउज़र, ब्यूटी प्लस, एग्जेंडर, क्लब फैक्ट्री, हेलो, लाइक एंड क्यूबी, एंड दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे ऐप्स हैं, न्यूज़ डॉग एंड फोटो वंडर, ए पी यू एस, वीवो वीडियो, यू कैम, कैम ब्राउज़र, वायरस एंड एम आई, डी यू रिकॉर्डर, यू कैम, एम आई स्टोर, 360 सोसाइटी, डी यू बैटरी सेवर एंड एफ एस फाइल रिकॉर्डर, क्यू क्यू, क्यू क्यू म्यूज़िक, सेल्फी सिटी, क्लैश, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस। एंड दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स और भी हैं जो मैंने यहाँ पर लिस्ट पूरी बना दी है, आप दोस्तों इसको देख सकते हो। एंड दोस्तों अगर आपको मतलब जो सारी पूरी लिस्ट चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो, एंड सारी ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए अभी के अभी। दोस्तों वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड दोस्तों जो न्यू है वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम जी।